अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेयर मेयर मेजर क्रिप्टो अपडेट को लेके इल्मे आलम के चैनल पे हाजिर हूं। तो सुबह की वीडियो के अंदर आप लोगों को आइडिया होगा कि सर मुकद्दस ने भी आप लोगों को बताया था कि आज एक काफी इंपॉर्टेंट दिन है कि जहां पे यूएस के अंदर नए इंटरेस्ट रेट्स आने हैं और उन नए इंटरेस्ट रेट्स का हम लोग एक डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे तमाम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो वजह से नए इंटरेस्ट रेट्स है वो अब आ चुके हैं और उसकी वजह से हम लोग क्या रन देखेंगे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो अगेन वीडियो को शुरू करते चल रहे हैं। तो सबसे पहले सर मुकद्दस ने आप लोगों को बताया था कि अगर तो यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को 0.5% मतलब के 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा देता है तो हम लोग क्रिप्टो मार्केट को बेयरिश होता हुआ देखेंगे, मतलब कि बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज हम लोग को डंप होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि अगर तो जो से फेड है वो 0.25% तक के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है जो कि एक्सपेक्टेड है कि जिसके 90% चांसेस थे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग तमाम क्रिप्टो मार्केट को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। और अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता क्योंकि रिसेंटली जो सी डेवलपमेंट्स हुई थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसकी वजह से अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता है तो ये काफी अच्छा साइन होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए और इसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज को काफी ज्यादा पंप होता हुआ देखते हैं। तो जो से नए इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब आ चुके हैं और जो से इंटरेस्ट रेट्स आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं, मतलब कि यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा से बढ़ा दिया है। गेन्स के 80% चांसेस थे और इसकी वजह से हम लोग मेजरली देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज अभी भी हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखा रहे हैं। करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा रेड कैंडल जो है वो बन रही है, इसकी रीजन क्या है वो रीजन मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बढ़े हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को करंटली मेजरली साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। अब इसीलिए अब बिटकॉइन के ऊपर अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता चलूं तो बिटकॉइन के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले लेवल को बिटकॉइन ऐसा मेजर सपोर्ट के तौर पर यूज कर रहा था और ये जो सी लाइन है जो कि इस वक्त लगी हुई है तकरीबन 28,500 के ऊपर, इसकी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन, बिटकॉइन इसको काफी देर से एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहा था। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ने इस लेवल के ऊपर इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी बिटकॉइन की अब जो सी करंट कैंडल है वो इसकी जो सी असेंडिंग ट्रायंगल है इसके अंदर वापिस आ चुकी है। तो वो क्यों वापिस आई है, क्योंकि अगेन जो सी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नंबर बढ़े हैं, अगर पॉज हो जाते या हमारी एक्सपेक्टेशंस के जो से कम नंबर कम बढ़ते तो फिर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को काफी ज्यादा पंप होता हुआ देखते। लेकिन अगेन बिटकॉइन की क्योंकि वैल्यू अब दोबारा से वही लेवल के जिसके अंदर वो काफी देर से ट्रेड हो रहा है, मतलब कि $28,000 से लेके $28,500-$700 तक का लेवल बिटकॉइन इसी लेवल के दरमियान में अब दोबारा से हम लोग को ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि क्रिप्टो मार्केट हम लोग को अब दोबारा से न्यूट्रल रन दिखाते हुए नजर आएगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं तो आप लोगों ने जो सी करंट बिटकॉइन की कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर नजर रखनी है, तो अब मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि ये वाली जो सी कैंडल है वो $28,500 से नीचे बंद होगी। लेकिन अगर सम हो ये जो सी करंट कैंडल है वो अगर $28,500 से अबव बंद हो जाती है तो चांसेस ये भी है कि हम लोग कल के दिन के अंदर बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस को $29,000 के लेवल तक भी जाता हुआ देखें। तो अगेन ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है कि जो सी करंट कैंडल है क्या वो $28,500 से अबव बंद होती है या नहीं होती है। इसके अलावा करंटली आप लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, एकदम बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो पंप और डंप हो रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि करंटली आप लोगों ने कोई भी अपनी फ्यूचर के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर अगर क्विक इन क्विक आउट नहीं कर सकते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोगों का जो सी वॉलेट है वो वॉश आउट हो जाए। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि करंटली जो सी डस्ट उड़ी हुई है इसको बैठने दें और इसके बाद तकरीबन नेक्स्ट जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल होगी उसके ऊपर आप लोग अपनी फ्यूचर के अंदर जो सी ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। और लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेनली $28,000 से लेकर $28,500, और अगर $28,500 से अबव जाती है बिटकॉइन की वैल्यू तो सबसे पहले एक शॉर्ट रेजिस्टेंस $29,000 के ऊपर और मेन रेजिस्टेंस बिटकॉइन की बनेगी तकरीबन $29,500 के ऊपर, और मेजरली हम लोग बिटकॉइन को इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। अब अगर आगे चलते चलें नेक्स्ट एनालिसिस करते चलें यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम को करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $1,792 के ऊपर, और जैसे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल मैंने लगाई है बिटकॉइन के ऊपर वैसे ही अगर एक असेंडिंग ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पे इथेरियम के ऊपर भी ड्रॉ करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो इसकी एक डायगनल सपोर्ट लेवल की लाइन है करंटली, इसकी ये काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है और अगर इथेरियम की वैल्यू इस लेवल तक आती है तो इसको एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज करते हुए इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और मेन जो सा रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त इथेरियम का वो है तकरीबन $1,800 से लेके $1,820 तक का लेवल, ये वाला जो सारा लेवल है काफी मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है इथेरियम के लिए और इथेरियम की वैल्यू इस लेवल से बार बार
नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो बस आप लोगों ने इसके ऊपर नजर रखनी है, और अगेन अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो हम लोग इसको देखेंगे दोबारा से इसको एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज करते हुए इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दो कैंडल्स रेगुलरली इससे अबव बंद करते हैं, मतलब कि एक तो इससे अबव और दूसरी अगर 18-20 डॉलर्स के लेवल को वैसे सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखता है, तो हम लोग इथेरियम की वैल्यू के अंदर थोड़ा सा पंप होता हुआ देखेंगे। और इथेरियम की जो सी वैल्यू है उसका जो सा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन 1880 डॉलर से लेकर 1900 डॉलर, और मेन रेजिस्टेंस लेवल 2000 डॉलर का लेवल बनेगा। तो 2000 डॉलर तक को इसकी वैल्यू को हम लोग मेजरली नहीं जाता हुआ देखेंगे, यही जो सा लेवल है इसी के दरमियान में ये भी ट्रेड होता रहेगा। अब अगर मैं आप लोगों को अपडेट देता चलूं कि नेक्स्ट मेजर क्या रन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो जेरोम पावेल ने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा है कि अभी भी वो लोग अपना जो सा टारगेट है कि उन्होंने जो सी इन्फ्लेशन है उसको 2% के ऊपर लेकर आना है, वो उसके ऊपर कमिटेड है, स्ट्रॉन्गली कमिटेड है। तो जब उन्होंने ये वर्ड यूज किया स्ट्रॉन्गली कमिटेड का, तो इसकी वजह से हम लोगों ने बिटकॉइन और तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू के अंदर काफी ज्यादा डंप देखा, और बिटकॉइन की प्राइस एकदम नीचे डंप की तकरीबन 27,800 डॉलर्स के लेवल तक। तो इसीलिए उन्होंने ये यहाँ पे ये जो कहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जैसा बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी टेंशन नहीं है, लोगों के जो से पैसे बैंकिंग के अंदर पड़े हुए हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, और लोगों को इससे मुतलिक किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज कहना, इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के अंदर एकदम डंप आया था। तो क्योंकि जेरोम पावेल ने यहाँ पर यह कहा है कि वो अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको बढ़ाना कम भी नहीं कर रहे और बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जो सी वैल्यू है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों को साइड बाय साइड लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोगों को थोड़ा ग्रीन रन दिखाते हुए नजर आ सकती है। तो अगेन अभी उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, मतलब कि पोस्ट का वर्ड क्योंकि उन्होंने यूज नहीं किया है, तो इसीलिए अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो सी नई रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, मतलब कि नए सीपीआई के नंबर्स जो आएंगे या नए इन्फ्लेशन के जो से नंबर्स आएंगे, उसके बाद जेरोम पावेल ये सिलेक्ट करेंगे कि क्या उन्होंने अब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि बैंकिंग सिस्टम का जो सब बुरा दिन चल रहे हैं उसकी वजह से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जेरोम पावेल अपनी स्पीच के अंदर कहेंगे कि वो अब इंटरेस्ट रेट्स को स्लो करना शुरू कर देंगे या इंटरेस्ट रेट्स को पॉज कर देंगे या इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड जेरोम पावेल ने यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग अपना जो सा गोल है 2% ऑफ इन्फ्लेशन का उसके अंदर हम लोग लाजमी तौर पर अचीव करके रहेंगे। तो ये कुछ रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने डंप भी देखा, और अगेन इसकी वजह से हम लोग क्रिप्टो मार्केट को साइड बाय साइड रन मेजरली साइड बाय साइड रन और थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो ये थी मेजर अपडेट ऑन क्रिप्टो मार्केट, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों का आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है बिटकॉइन एथेरियम और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।